नमस्कार दोस्तों, है फार्मन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन भाइयों बहनों के पेट में गैस बनी रहती है उनके बारे में बात करेंगे। जिस भी किसी के पेट में गैस बनती है उनके बारे में बात करेंगे। और गैस की प्रॉब्लम को तो आप घर में ठीक कर सकते हो, मतलब आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप फिर भी डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं। डॉक्टर के पास मत जाना, ये वीडियो जब भी आपने देख ली तो गैस की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन हाँ, यदि आपको इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी में एक आधा गोली खा भी सकते हो, लेकिन आपको परमानेंटली जो गैस की प्रॉब्लम है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे क्योर करोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल है फार्मन वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम लोग डालेंगे और आपके पास सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख लोगे। और आपको पता है कि मानव शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और जो ये मैं बताने जा रहा हूं आपको अशोधि, यदि आपका पित्त दोष बढ़ जाता है तो आपके पेट में गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्यों नहीं, ये वीडियो देखो और खुद बनाओ और खाओ 3 से 4 महीने और देखना पेट की गैस आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपने परहेज क्या रखना है। इसमें परहेज आपने तलिया चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, ताई चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और आपने समोसे, बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे ऐसी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल नहीं खानी है। यदि लाइफ टाइम के लिए छोड़ सकते हो तो सबसे अच्छा है, यदि लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हो तो 3 मंथ तक तो कम से कम परहेज कर ही लेना। 3 मंथ तक कर लोगे तो आपको 4-5 साल तो गैस की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यदि इस औषधि को परमानेंटली यूज करोगे तो आपका एज जो है बिल्कुल ठीक ठाक लगेगा, और आप होंगे 50 के लेकिन दिखेंगे 30 के। और फिर ऐसी औषधि क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, ऐसी औषधि यूज करो और अपने दोस्तों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ। और चलिए, हम बता रहे हैं आपको कि वो औषधि क्या है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि सर कब बोले और कब वीडियो को बंद करें। और चलिए बता देते हैं क्या करना है। आपने 300 ग्राम आंवला लेना है, 200 ग्राम हरड़ लेना है और 100 ग्राम उसमें बहेड़ा डाल देना है, और आपने लोहे के बर्तन में उसको ब्रीक पाउडर बनाना है। मिक्सी की सहायता से आपने ब्रीक पाउडर नहीं बनाना है। और आपने यदि लोहे के बर्तन से उसका ब्रीक पाउडर बना लिया तो देखना आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है 101% क्योर हो जाएगी, बिल्कुल आप फिट हो जाओगे, सही हो जाओगे। और आपने जो चूर्ण जो है वो जूझ कैसे करना है, तीनों औषधियों को मिक्स करके एक साथ उसको डब्बे में बंद करके रख लेना है, ऊपर में जैसे ढक्कन वगैरह टाइट कर दीजिएगा ताकि उसमें हवा क्रॉस ना हो। यदि हवा क्रॉस होगी तो वो मतलब सलाब वगैरह से ना खराब हो सकता है, इसलिए आपको ढक्कन को टाइट कर देना है, और जब भी आपको जरूरत पड़े तब भी यूज कर सकते हो। नहीं तो आप डेली सुबह शाम खाने के बाद आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम गर्म पानी के साथ इसका यूज करिएगा और आपकी गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आप बिल्कुल देखना स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, टेंशन नहीं रहेगी आप, और आपका पेट साफ हो गया तो बिल्कुल आप खुश भी रहोगे दिन भर, और आपके दिमाग में जो भी किसी तरह की टेंशन है वो भी आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। और एक बार इस नुस्खे को अपनाइएगा जरूर, बहुत अच्छा नुस्खा है, लेकिन ये मेरी शर्त है कि आपने बना बनाया कहीं से नहीं लेना है, आपने खुद अपने घर में बनाना है वो। और जो भी रिजल्ट आए वो मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताने हैं कि सर मेरे को जे रिजल्ट मिला, जे रिजल्ट नहीं मिला, मतलब सब कुछ आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि कमेंट बॉक्स में नहीं बताए हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे आएगा और उस व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है,
और यदि और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल फ्री इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे मेरा तो आप अपने दोस्तों के साथ आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, और साथ में जो घंटी वाला बटन है वो तो आपने दबा ही लिया होगा पहले, और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और एक ना और निशान है लाइक का, और जो लाइक वाला बटन है वो जरूर दबा लेना। और इसी के साथ नमस्कार, आदाब, फिर मिलेंगे।